वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट आपका दोस्त जिशान खान एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम विज़िट करने आए हैं साकिब भाई की छत का, जिन्होंने छत पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे जानवर रखे हुए हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बच्चे मेरे पीछे खड़े हुए हैं माशाल्लाह से, साकिब भाई हैं। ये साकिब भाई का शौक़ है, अभी हम आपको इनकी पूरी छत का व्यू भी देंगे और शौक़ देखें माशाल्लाह से। इन्होंने अबलग बछड़ा है इनका, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कितना प्यारा बछड़ा है। ये बछड़ा देखें माशाल्लाह, साहिवाल के रॉस है, रेड सिंधी है, बताइएगा नस्ल कौन सी है। वेट के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत शाइनिंग है बछड़े के अंदर, बड़ा खूबसूरत है। और दोस्तों ये बताता चलूँ, दोनों बछड़े जो हैं दो दो दांत हैं ये, और ये दोनों बछड़े फोर सेल हैं। तो ये देखिएगा माशाल्लाह, मेरा कैमरामैन आपको भरपूर चारों तरफ से जानवर दिखा रहा है। तो दोस्तों हम साकिब भाई से इनके रूटीन के बारे में पूछते हैं। तो साकिब भाई, इनकी कब से आपने ये जानवर छत पर रखे हुए हैं और इनकी रूटीन क्या है, क्या इनको खिला रहे हैं, कुछ बताएं ना भाई। मेरे पास इनको एक साल हो गया जानवरों को, तीनों को ना। एक तो मेरा अपना कुर्बानी का जानवर है, ये दो मेरे सेल वाले जानवर हैं दोनों। सही। और सुबह में इनको मैं नॉर्मल देता हूँ, रूटीन के हिसाब से जो होता है इनका, चोकर है, दलिया भूसा है, दलिया है, अपना कुत्तर है, जो भी है मतलब। रात में इनको मैं हेवी भंडा देता हूँ ना, उसके हिसाब से ये सेटिंग है आपके सामने ही, अब आप देख लो अपने हिसाब से जो भी है। देखिए दोस्तों, ये होता है शौक माशाल्लाह से। छोटी सी छत है, कंजस्टेड जगह है, और माशाल्लाह से शौक़ देखें साकिब भाई का, इनके शौक़ को हम वेलकम करते हैं। आपको पता है आपका भाई जो है ज़रा हट के लाता है वीडियो। आज आप ये देखें, किसी कैटल फॉर्म पे नहीं है, माशाल्लाह से छत पे हैं। और बछड़ा देखें, बछड़े में चमक देखें, और माशाल्लाह से बछड़े का बनाव देखें। और ये थोड़ा लेट हो गया हम तो, इस वजह से अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से आपको शायद वीडियो में थोड़ा सही नज़र ना आए। और ये बछड़ा अबलग दांतों में दो दो हैं। जिस भाई को पसंद आए वो साकिब भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इस अपना वीडियो के पे भी मेंशन कर देंगे स्क्रीन पे। जिस भाई को पसंद आए वो साकिब भाई से कांटेक्ट कर सकता है। बछड़े माशाल्लाह से लाजवाब हैं, खूबसूरत हैं, नो डाउट बेऐब हैं। तो हम ये देखें, इनकी जगह दिखाएँगे साकिब भाई की आपको, कमरे की, जहाँ ये पलाई करते हैं और जहाँ इन्होंने बछड़े रखे हुए हैं। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये देखें छोटी सी जगह पे इन्होंने रखे हुए हैं। और इनका ये कैटल फॉर्म है, दिल पसंद कैटल फॉर्म, क्योंकि ये शौक़ है दिल का और दिल वालों का। छतों पे बकरे पालते हैं माशाल्लाह से, इन्होंने बछड़े पाले हुए हैं। और बछड़ों की वीडियो कवरेज छतों पे करने का मेरा भी इसी वजह से हमारा ज़्यादा जो है वो है कि जो शौक़ दिखाया जाए छत का, जो नहीं पाल सकते जिनके पास जगह नहीं है वो रख सकते हैं आसानी से, और छत पे भी बछड़े पल सकते हैं। इससे पहले भी गोलीमार की एक वीडियो अपलोड करी थी बछड़े की, सरजानी टाउन के बछड़ों की वीडियो अपलोड करी। और ये छत का तीसरा शौक है माशाल्लाह से, जो इतने खूबसूरत और प्यारे बछड़े छत पे रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये बछड़े फिर बताता चलूँ, ये फॉर सेल है बछड़े। जिस भाई को चाहिए वो साकिब भाई से रابطہ कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में साकिब भाई का नंबर है। तो साकिब भाई, ये आपने कितने अरसे से रखे हुए जानवर, ये शौक़ कैसे चढ़ा आपको, मतलब ये शौक़ किस तरीके से स्टार्ट हुआ जो आपने छत पे बछड़े रख लिए। छत पर इतना मुश्किल होता है क्योंकि इनका गोबर फेंकना, इनकी सारी चीज़ें मैनेज करना। यार मसला ये है कि इंसान जब शौक़ करता है ना, कोई भी शौक़ हो वो इंसान का, कोई भी ज़िंदगी का, जब वो शौक़ करता है ना उसको, तो वो फिर सब काम कर लेता है ना, गोबर उठाना, कुछ भी करना। आप यकीन करो, मेरा जोड़िया बाजार का अपना सेटअप है, मेरा अपना जाती काम है वहाँ पर ना। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, लेकिन आप यकीन करो, मैं होटलों पे जाके होटल पे रोटियां पराठे बन रहे होते हैं और मैं नीचे बैठ के ना इनके लिए टुकड़े जो है ना वो उठा रहा होता हूँ ऐसे ना। सही। टुकड़े उठा रहा होता हूँ इनके लिए कि यार ये टुकड़े इनको मैं खिलाऊंगा, इनका बंडा बनेगा, जाहिर है सारा सेटअप होगा। और मुझे हैरत होती है इस बात की कि मैंने अपना शौक़ करा हुआ है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये मकसद कहने का ये होता है दोस्तों, शौक़ और शौक़ की इंतहा। और आपने कोई इनके लिए बंदे ही नहीं रखे हुए, सब खुद करते हैं अपने हाथ से। सब खुद करता हूँ। दोनों सुबह शाम का वंडा, सफाई और जो खिलाए इनको, तेल वेल दही वही भी दे रहे हैं तेल, जैसे गर्मी है तो देते हैं दही तेल। तेल चलेगा, सर्दियों में घी चलेगा। सही सही। और दूसरी बात ये, अभी इनको चल रहा है इनको, अबे क्या कर रहे हो, देखो कितना शरारती बछड़ा साकिब भाई का। ये इनका कुर्बानी का है, ये कुर्बानी का बछड़ा इनका माशाल्लाह से। ये कितना सा पाला था ये हमारे देखने वालों को बताएं, और कितना छोटा लेके आए थे ये, आप इसकी वीडियो ये
इतना छोटा में लेके आया था इसको, और ये जो है ना सबसे ज़्यादा इस घर की रौनक है, ये सबसे ज़्यादा रौनक है इस घर की। और माशाल्लाह इसको मैं छोटा लेके आया था, ये 8 महीने का 7 महीने का मैं लेके आया था। दोस्तों साकिब भाई हमें बता रहे थे बहुत छोटा सा बछड़ा लेके आए थे और उसको फीडर से ये दूध पिलाते थे, ऐसा ही है साकिब भाई? सही है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। ठीक है भाई, और देखें माशाल्लाह से अभी इसकी उम्र हो गई है 17 से 18 महीने, तो साकिब भाई बोल रहे हैं इंशाल्लाह इसको मैं पाल के अगले 2022 के अंदर इसकी कुर्बानी करूँगा। तो दोस्तों ये होता है शौक, शौक को हम बढ़ावा देंगे, शौक को प्रमोट करेंगे। और इंशाल्लाह एक बात आपको एंड में बताता चलूँ, वो आपने मलीर के अंदर एक सौदा कराया था, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, मैं बहुत बिजी हूँ। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन बाद उस ब्लैक वाले बछड़े की वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे, उसके मालिक का भी इंटरव्यू लेंगे। आप जिस जिस भाई ने जो जो कमेंट्स करे थे वो सब कमेंट्स का जवाब जो है वो बछड़ा और उनका मालिक देगा। साकिब भाई अपना नंबर बता दें आप। भाई मेरा नंबर है 03463264585। अच्छा लोकेशन भी बता दीजिएगा, किस लोकेशन पर है ये? लोकेशन ये है कि आप 2 मिनट की चौरंगी पे आके अगर मुझे फ़ोन कर लेंगे, आप कहीं से भी आ रहे हैं तो ये है कि मैं आप मुझे वहाँ से फ़ोन करेंगे, मैं आपको रिसीव कर सकता हूँ वहाँ से। उसकी वजह ये है मैं थोड़ा अंदर हूँ, अगर कोई भी बंदा बाहर से आता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह मैं मतलब आराम से उसको रिसीव कर लूँगा, उसके लिए अच्छा हो जाएगा ये ना। दोस्तों साफ़ सुथरा एरिया है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, सुकून से आइए, सुकून से जाइए। बछड़े पसंद आए तो साकिब भाई से सौदा कीजिए, जो समझ में आए, जो पैसे समझ में आए आप वो बोलिए, साकिब भाई से डिमांड मालूम कर लीजिएगा फ़ोन करके। और साकिब भाई ये अपना आप किस टाइम अवेलेबल होते हैं भाई? मैं तकरीबन मगरिब के बाद आप मेरे पास आ सकते हैं, मतलब किसी भी दिन अगर आप आएँ मगरिब के बाद, मतलब 7 बजे 7:30 बजे के बाद आप मुझसे आके फ़ोन पे वैसे आप कॉन्टेक्ट कर लें, लेकिन मुलाकात अगर हो जानवर को अगर आपको देखना है तो आप 7 बजे के बाद आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7 बजे के बाद साकिब भाई अपने जॉब से अपने काम से आ जाते हैं तो आपको ये जानवर दिखा सकते हैं, और बाकी संडे को ये फ्री होते हैं तो संडे को आप किसी वक्त भी आके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ज़िशान खान को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।